वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डीएनए टोपोइसोमेरेज एंजाइम के बारे में। हम लोगों ने देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डीएनए टोपोइसोमेरेज एंजाइम क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, और हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीएनए टोपोइसोमेरेज क्या है, मींस टाइप्स ऑफ डीएनए टोपोइसोमेरेज क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था डीएनए सुपर कॉइलिंग के बारे में देखा था, और टोपोइसोमेरेज डीएनए सुपर कॉइलिंग और लिंकिंग नंबर कैसे करके एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो क्या करता है, टोपोइसोमेरेज एंजाइम के एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ये सब सारा का सारा कंप्लीट स्टडी हम लोगों ने किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक में मिलने वाला, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलने वाला सारा का सारा डीएनए पॉलीमरेज के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। वही मैंने हेडिंग लिखा है, क्या चीज, डीएनए पॉलीमरेजेस इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे कितना टाइप का डीएनए पॉलीमरेज मिलता है, उसका क्या फंक्शंस होता है, ये सब सारा का सारा अभी हम लोग स्टडी करेंगे। और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो सीएसआईआर के एग्जाम हो, चाहे वो डीबीटी के एग्जाम हो, चाहे वो हम लोग बोल सकते हैं आईसीएमआर या बीएससी एमएससी या हम लोग बोल सकते हैं इंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने ये लिखा है, याद रखना है भाई, हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन का। यहाँ पर मैंने ये लिखा है डीएनए पॉलीमरेजेस, मतलब प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज के बारे में ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो डीएनए पॉलीमरेज याद रखना है वैसा एंजाइम होता है जो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए से डीएनए को बनाएगा, तभी तो हम लोग बोल रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज ना। ठीक है, तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, देखो ध्यान से, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, डीएनए पॉलीमरेज को हम लोग डीएनए पोल भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज वैसा एंजाइम होता है जो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, या तो वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए से क्या, डीएनए के स्ट्रैंड से क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनाएगा, नया डीएनए बनाएगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। या तो वो वैसा एंजाइम होगा जो आरएनए के स्ट्रैंड को यूज करके क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस करेगा, तब भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज बोलेंगे। मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने यहाँ पर ये बोला डीएनए पॉलीमरेज का मतलब हो गया, डीएनए का मतलब हो गया डीएनए, पॉलीमरेज का मतलब हो गया पॉलीमराइजेशन, मतलब डीएनए का क्या होना, हम लोग बोलेंगे सिंथेसिस होना। ठीक है, वैसा एंजाइम जो हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस करता है, उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। अगर ये एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे डीएनए चाहिए। ठीक है, ये मान लो डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, ये एंजाइम किस पे बाइंड किया, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड में बाइंड करके क्या बना रहा है, नया डीएनए को बना रहा है, तब ऐसे डीएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे डीएनए पॉलीमरेज को हम लोग बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको हम लोग बोलेंगे काम करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये एंजाइम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डीएनए डिपेंडेंट, मतलब डीएनए पॉलीमरेज किस पर डिपेंड करेगा, डीएनए के स्ट्रैंड पर डिपेंड करेगा, तब जाके ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस करेगा। तो वैसे एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन कैसा डीएनए पॉलीमरेज, हम लोग बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कुछ वैसा भी डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे जो क्या करता है, आरएनए के स्ट्रैंड पे बाइंड करता है, मतलब हम लोग बोलेंगे किस पे डिपेंडेंट है, हम लोग बोलेंगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ऐसा हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए डिपेंडेंट क्या चीज, डीएनए पॉलीमरेज भी होता है, जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए के स्ट्रैंड में क्या करता है, बाइंड करता है और क्या करता है, डीएनए को बनाता है। तो वैसे डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ भी देखो डीएनए बन रहा है ना, डीएनए पॉलीमरेज हमेशा डीएनए को बनाएगा, लेकिन यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको डीएनए को बनाने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे आरएनए का स्ट्रैंड चाहिए। इसीलिए ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कैसा डीएनए पॉलीमरेज, हम लोग बोलेंगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। याद रखना है इसका दूसरा नाम भी पूछता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी मैं तुरंत बता दूंगा क्यों बोलते हैं इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, याद रखना है। तो अभी जो प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जो हम लोग देखेंगे वो क्या, कैसा डीएनए पॉलीमरेज होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। याद रखना है,
प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में या प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के केस में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो वही मैंने यहां पर लिखा है कि डीएनए पॉलीमरेज अगर होगा तो ये डीएनए पॉलीमरेज हम लोग बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी होगा, हो सकता है, या ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हम लोग बोलेंगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी हो सकता है। ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक सेल्स का पार्ट है, तो इसको बस अभी दिमाग में रखिए, ठीक है। अभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे जो डीएनए पॉलीमरेज मिलता है वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मिलता है, क्योंकि ऐसा जो एंजाइम है उसको काम करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड चाहिए, इसीलिए उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है तो वाइडली यूज डीएनए पॉलीमरेज है इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, याद रखिएगा ये वाइडली यूज क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में, याद रखना है इसको, ठीक है। तो ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है ना इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो ये कितना टाइप का होता है, हम लोग बोलेंगे ये पांच टाइप का होता है, इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 या डीएनए पोल 1, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 2 या डीएनए पोल 2। तीसरा क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज 3 या क्या बोलेंगे, डीएनए पोल 3। चौथा को बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 4 या डीएनए पोल 4। और पांचवा को बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 5 या डीएनए पोल 5। ये सारा का सारा जो एंजाइम है ना, याद रखना है ये सारा का सारा एंजाइम क्या से एंजाइम हम लोग बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। और यही एंजाइम हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें वाइडली यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि डीएनए पॉलीमरेज 1 रहे, चाहे डीएनए पॉलीमरेज 2 रहे, चाहे डीएनए पॉलीमरेज 3 रहे, चाहे डीएनए पोल 4 रहे, चाहे डीएनए पॉलीमरेज 5 रहे, कोई सा भी डीएनए पॉलीमरेज रहे, याद रखना इसको हम लोग बोलेंगे अपना काम को करने के लिए, इसका मतलब ये सारा का सारा क्या काम करेगा, ये इसका काम क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस करना, ठीक है। क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज है ना, तो क्या इसका सिंथेसिस करेगा, डीएनए का सिंथेसिस करेगा, याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये सारा का सारा एंजाइम डीएनए को बनाएगा, लेकिन ये तभी बना पाएगा ये सारा का सारा एंजाइम डीएनए को जब वो किससे बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे जब वो किससे बाइंड करेगा, डीएनए के स्ट्रैंड से बाइंड करेगा, तभी ये क्या करा पाएगा, डीएनए सिंथेसिस करा पाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा एंजाइम कैसा एंजाइम हम लोग बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। तो ये सारा का सारा एंजाइम देखो क्या कर सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, मतलब डीएनए से डीएनए को बना सकता है, लेकिन जो मेन एंजाइम जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन का वो कौन होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है। क्यों होता है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी जब डीएनए पॉलीमरेज 3 हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो मैं ये बताऊंगा कि डीएनए पॉलीमरेज 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम क्यों बोलते हैं, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या स्टडी करेंगे, हम लोग वन बाई वन जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पोल 1, डीएनए पोल 2, डीएनए पोल 3, डीएनए पोल 4 एंड डीएनए पोल 5, इसको स्टडी करेंगे। और जो स्टडी हम लोग करेंगे उससे हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। और उस टेबल में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे जो भी डीएनए पॉलीमरेज है उसका क्या फंक्शन है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्या ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। अब थोड़ा सा देखो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये जो डीएनए पॉलीमरेज जो आरएनए डिपेंडेंट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखो इसको याद रखिएगा बस, जब यूकैरियोटिक सेल्स जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में पढ़ाऊंगा, ठीक है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगा उस टाइम पे इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी क्या चीज आपको याद रखना है, देखो दूसरा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। तो देखो आरएनए डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं इसको, अगर हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, अगर हम लोग जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि डीएनए से अगर आरएनए बनेगा, ठीक है, कोई सा आरएनए बने, डीएनए से अगर आरएनए बनेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे आरएनए से डीएनए बनेगा, ठीक है, जब हम लोग क्या बोलेंगे आरएनए से डीएनए बनेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, क्योंकि हम लोग बोलेंगे आरएनए से फिर डीएनए बन रहा है। जब भी कभी भी हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस होगा ना, तो उसमें हम लोग बोलेंगे कौन सा एंजाइम लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा। जब भी कभी डीएनए का सिंथेसिस होगा तो कौन सा एंजाइम लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज लगेगा।
लेकिन यहां पर हम लोग बोलेंगे ये वैसा डीएनए पॉलीमरेज है जो क्या चीज से क्या चीज को बना रहा है, हम लोग बोलेंगे आरएनए से क्या चीज को बना रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज को बना रहा है आरएनए से, हम लोग बोलेंगे डीएनए को बना रहा है ना, इसीलिए ये जो डीएनए पॉलीमरेज होगा वो कैसा डीएनए पॉलीमरेज होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे आरएनए के स्ट्रैंड से कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे कौन बाइंड करेगा, डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और वो क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनाएगा, डीएनए को बनाएगा। इसका मतलब वो क्या चीज करेगा, ये एंजाइम क्या चीज करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा ना, ठीक है। इसीलिए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बोलेंगे, इसको याद रखना है, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यही हो गया, हम लोग बोलेंगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज आल्सो नोन एज क्या चीज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज में हेल्प करता है, ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, मतलब आरएनए के स्ट्रैंड से बाइंड करके क्या बनाता है, डीएनए का सिंथेसिस करता है, ठीक है, इसको याद रखना है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में हम लोग बोलेंगे जो वाइडली यूज्ड डीएनए पॉलीमरेजेस है वो क्या, हम लोग बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, जो कि पांच टाइप का होता है, डीएनए पोल 1, डीएनए पोल 2, डीएनए पोल 3, डीएनए पोल 4 एंड डीएनए पोल 5, ठीक है। अब देखो हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम लोग डीएनए पोल 1 के बारे में स्टडी करेंगे, उसका उसके बाद स्टडी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां पर देखो ये वाला कांसेप्ट को मैं यहां पर मिटा दे रहा हूं। अब देखिए समझिए, बहुत इजी है, क्या चीज है ये सब देखो, डीएनए पोल 1 यहां पर मैं लिख रहा हूं, डीएनए पोल 1 का मतलब हम लोग डीएनए पॉलीमरेज 1 भी बोल सकते हैं। याद रखना यहां पर ये जो 1 है ना, डीएनए पोल 1, इसका मतलब याद रखना है कि ये कैसा एंजाइम है, ये तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। तो एक चीज दिमाग में क्या आता है कि ये डीएनए पोल 1 क्या करेगा, डीएनए से डीएनए को बनाएगा, क्योंकि ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। तो यहां पर ये जो 1 है ना, ये 1 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो सबसे फर्स्ट क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था, किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे एक साइंटिस्ट के थ्रू, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, आर्थर कॉनबर्ग, ठीक है। इसीलिए यहां पर 1 हम लोग लिख रहे हैं, 1 का मतलब ये वैसा डीएनए पॉलीमरेज है जो कि सबसे फर्स्ट डिस्कवर किया गया था, इसीलिए हम लोग यहां पर डीएनए पोल 1 लिख रहे हैं, और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, आर्थर कॉनबर्ग। कब किया गया था, तो हम लोग बोलेंगे 1956 में किया गया था, ठीक है। और ये कैसा एंजाइम है, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, देख लो यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट वाज द फर्स्ट नोन डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था आर्थर कॉनबर्ग के थ्रू, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट नोन डीएनए पॉलीमरेज। और ये जो 1 देख रहे हो ना, ये 1 यही इंडिकेट कर रहा है ये सबसे फर्स्ट टाइम क्या किया गया, हम लोग बोलेंगे डिस्कवर किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट नोन डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है ना, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 किसमें मिलेगा, हम लोग बोलेंगे किसमें रेप्लिकेशन कराता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज 1 है, इसका मतलब ये किसमें मिलेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलेगा, मतलब पीके मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का अगर हम लोग डीएनए को देखेंगे ना, तो उस डीएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीन होगा, और जीन उसमें से एक जीन वैसा जीन होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे पोल ए जीन, ठीक है। और ये पोल ए जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे पोल ए एम आर एन ए बनाएगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद ट्रांसलेशन होगा ये पोल ए एम आर एन ए का, राइबोसोम से जुड़ने के बाद ये क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, प्रोटीन बनाएगा। उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल ए प्रोटीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोल ए प्रोटीन। ये पोल ए प्रोटीन कुछ नहीं है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है ना, विच इज इनकोडेड बाई पोल ए जीन, ठीक है, क्योंकि पोल ए जीन से इनकोड किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज 1 का जो जीन है उसको क्या बोलते हैं, पोल ए जीन बोलते हैं। तो इससे जो प्रोटीन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल ए प्रोटीन ही तो बोलेंगे ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पोल 1। इसीलिए डीएनए पोल 1 का दूसरा नाम क्या चीज है, डीएनए पोल ए, या क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज ए। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 1 के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल ए जीन। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल ए बोलेंगे, या प्रोटीन को क्या बोलेंगे, पोल ए बोलेंगे। और ये जो पोल ए है ना, ये पोल ए कुछ नहीं, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 को इनकोड करने वाला जो जीन है उसको क्या बोलते हैं, पोल ए जीन बोलते हैं। इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज 1 को हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज ए या डीएनए पोल ए, याद रखना है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है।
अब चलो थोड़ा सा चलते हैं डीएनए पोल वन के बारे में, क्या चीज ये होता है। ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए पोल वन का, तो क्या है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, डीएनए पॉलीमरेज वन जिसको डीएनए पोल ए भी बोलते हैं, ये क्या चीज है, ये प्रोटीन ही तो है ना, ये क्या चीज है, प्रोटीन है। ठीक है, तो ये कितना एमिनो एसिड का बनेगा हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, मान लो ये डीएनए पॉलीमरेज वन है, मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज वन है मान लो। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या हम लोग बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज ए या डीएनए पोल ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो जीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पोल ए जीन बोलते हैं, तो ये जीन से बना है, ये क्या चीज है, डीएनए पोल ए प्रोटीन ही जो है ना, तो इसका मतलब इस प्रोटीन में क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होगा, एमिनो एसिड्स होगा, क्या होगा, एमिनो एसिड्स होगा, किसमें हम लोग बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज वन प्रोटीन में या एंजाइम में। ठीक है, कितना एमिनो एसिड होगा तो हम लोग बोलेंगे, कितना एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से, दूसरा तीसरा तीसरा चौथा से किसके थ्रू लिंक रहेगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, और ये सारा का सारा मिलके क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन को बनाएगा, उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे, डीएनए पोल वन। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल वन एंजाइम। ठीक है, तो कितना एमिनो एसिड जुड़ता है, हम लोग बोलेंगे 928 एमिनो एसिड जुड़ कर क्या करता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज वन। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो डीएनए पोल वन है ये 928 एमिनो एसिड्स के मिलने से बनता है। ठीक है, 928 एमिनो एसिड मिलके क्या करता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज वन एंजाइम को बनाता है। ठीक है, और ये जो डीएनए पॉलीमरेज वन है, देखो ध्यान से इसका प्रोसेसिविटी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इसका प्रोसेसिविटी क्या है, इसका प्रोसेसिविटी लो है। ठीक है, इसका प्रोसेसिविटी लो इसीलिए है, इसका लो प्रोसेसिविटी इसीलिए है क्योंकि हम लोग बोलेंगे, क्योंकि हम लोग बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज वन डीएनए से डीएनए को तो बनाएगा। ठीक है, लेकिन डीएनए से डीएनए को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे, ध्यान से देखो, डीएनए पॉलीमरेज वन में हम लोग बोलेंगे क्या चीज नहीं जुड़ा हुआ, हम लोग बोलेंगे कोई भी बीटा क्लैंप नहीं जुड़ा हुआ है। बीटा क्लैंप अगर जुड़ा हुआ रहता तो डीएनए पॉलीमरेज वन का प्रोसेसिविटी बहुत ज्यादा होता, क्योंकि कोई भी बीटा क्लैंप नहीं जुड़ता है किससे, डीएनए पोल वन से, इसीलिए हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज वन का प्रोसेसिविटी लो रहता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज वन मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम नहीं है, क्योंकि इसके पास हम लोग बोलेंगे लो प्रोसेसिविटी है। मतलब ये हम लोग बोलेंगे सारा का सारा डीएनए को नहीं बना पाएगा, ये हम लोग बोलेंगे कुछ पोर्शन ऑफ डीएनए को बना पाएगा, इसीलिए इसका क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिविटी लो है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ बीटा क्लैंप भी नहीं एसोसिएटेड है, बीटा क्लैंप याद रखना है वैसा प्रोटीन होता है जो हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 का एंजाइम, जो मेन एंजाइम है उसका प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करता है। तो अगर बीटा क्लैंप नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तो याद रखना वो एंजाइम का प्रोसेसिविटी लो होगा। ठीक है, तो यहां पर वही मैंने लिखा, इसका प्रोसेसिविटी क्या होता है, लो होता है, किसका, डीएनए पॉलीमरेज 1 का, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 के साथ कोई भी बीटा क्लैंप नहीं जुड़ता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पर देखो, इसीलिए हाँ ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि डीएनए पॉलीमरेज वन मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम इसीलिए भी नहीं है क्योंकि इसका प्रोसेसिविटी बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि बीटा क्लैंप डीएनए पॉलीमरेज वन के साथ नहीं जुड़ता है। ठीक है, इसीलिए मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम नहीं है, लेकिन भी ये क्या करेगा, डीएनए से डीएनए को बनाएगा, भी हम लोग देखेंगे। देखो यहां पर मतलब डीएनए से डीएनए को बनाएगा, मतलब शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को बनाएगा, कंप्लीट डीएनए से डीएनए को नहीं बना पाएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल वन, क्योंकि प्रोसेसिविटी लो है। अब देखो, अब यहां पर क्या, ये जो डीएनए पॉलीमरेज वन है ना, ये डीएनए पॉलीमरेज वन को हम लोग बोलेंगे अगर एंजाइम से ट्रीट कर दे, कैसे एंजाइम, हम लोग बोलेंगे प्रोटीएज एंजाइम से, जिसको जिसमें से एग्जांपल क्या है, ट्रिप्सिन या सब्टिलिसिन। ठीक है, ये दो प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम वैसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे डिग्रेड करता है, या प्रोटीन को हम लोग बोल सकते हैं क्या करता है, हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रॉय करता है, या हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, तो वैसे एंजाइम को क्या बोलते हैं, हम लोग प्रोटीएज एंजाइम बोलते हैं। तो जब हम लोग बोलेंगे पॉलीमरेज वन को, जब हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट करेंगे ट्रिप्सिन और सब्टिलिसिन से, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम हम बोलेंगे दो फ्रैगमेंट में टूट जाएगा। ठीक है, ये एंजाइम दो फ्रैगमेंट में टूट जाएगा, एक फ्रैगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक फ्रैगमेंट को हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल डोमेन। ठीक है, देखो ध्यान से, दूसरा फ्रैगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल डोमेन। जो लार्जर फ्रैगमेंट है, याद रखना ये लार्जर फ्रैगमेंट है, लार्जर फ्रैगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल डोमेन, और जो स्मॉलर फ्रैगमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल डोमेन। ठीक है, सिंपल।
तो अब देखो ये जो लार्जर फ्रैगमेंट है ना, इसके एक नाम दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनॉफ फ्रैगमेंट। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे क्लिनॉफ फ्रैगमेंट बोलते हैं। किसको हम लोग बोलेंगे? लार्जर फ्रैगमेंट ऑफ क्या चीज? डीएनए पोल वन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सी टर्मिनल डोमेन ऑफ डीएनए पोल वन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिनॉफ फ्रैगमेंट भी बोलते हैं। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किए, डीएनए पोल वन को क्या किए? प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट किए, ट्रिप्सिन एंड सबटेलिसिन से। तो डीएनए पॉलीमरेज वन क्या हो गया? दो फ्रैगमेंट्स में टूट गया, एक फ्रैगमेंट ये लार्जर फ्रैगमेंट था, दूसरा फ्रैगमेंट स्मॉलर फ्रैगमेंट था। जो लार्जर फ्रैगमेंट था उसको हम लोग क्या बोले? सी टर्मिनल डोमेन बोले। और जो स्मॉलर फ्रैगमेंट था उसको हम लोग क्या बोले? एन टर्मिनल डोमेन बोले। लार्जर फ्रैगमेंट्स का दूसरा नाम क्या चीज है? क्लिनॉफ फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं, याद रखना है। अब ये दोनों अलग अलग फ्रैगमेंट्स का अलग अलग क्या चीज हम लोग बोलेंगे? फंक्शन है। क्या फंक्शन है? देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्या फंक्शन है ये अलग अलग फ्रैगमेंट्स का, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर समझना है क्या चीज है। देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका फंक्शन देख लेते हैं, ये वाला, ये जो स्मॉलर जो फ्रैगमेंट है उसका फंक्शन को देख लेते हैं पहले। ये जो स्मॉलर जो फ्रैगमेंट है ना, उसका हम लोग बोलेंगे फंक्शन क्या चीज है कि स्मॉलर फ्रैगमेंट्स के पास कैसा एक्टिविटी, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब जहां भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है। याद रखना 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या इसका मतलब है, और इसका फंक्शन क्या चीज है, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स का क्या फंक्शन है? इसके पास 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, और ये क्या करता है? देखो ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। कौन? हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 1 का एन टर्मिनल डोमेन। या तो क्या चीज है बताने का क्या मतलब है, देखो ध्यान से, बताने का ये मतलब है कि मान लीजिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए का स्ट्रैंड है, इधर भी होगा, मैं एक ही स्ट्रैंड को ले रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक डीएनए का स्ट्रैंड को मैंने लिया। ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो है 3 प्राइम है, ये क्या चीज है 5 प्राइम है मान लो, ठीक है। इधर भी होगा, क्या होगा इधर, क्या होगा देखो ध्यान से, इधर क्या होगा, बट ऑब्वियस 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये कैसा डीएनए हम लोग बोलेंगे? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से याद कीजिए, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पर ओएच होगा, इधर भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होगा 5 प्राइम 3 प्राइम ओएच का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जो जहां पर हम लोग बोलेंगे मल्टीपल, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम ओएच का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, वो स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। और जहां पर सिंगल आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जब अगर मान लो डीएनए बन जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो नया डीएनए बन गया मान लो, ठीक है, नया डीएनए बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या नया डीएनए बना, यहाँ पर क्या फ्रैगमेंट्स में नया डीएनए बना। तो अब क्या किया जाता है, ये जो आरएनए प्राइमर है ना, ये आरएनए है, ये डीएनए का पार्ट नहीं है, तो ये आरएनए प्राइमर को क्या किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे रिमूव कर दिया जाएगा। कहां से? हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड से, बिकॉज द आरएनए इज नॉट द पार्ट ऑफ क्या, हम लोग बोलेंगे डीएनए। और डीएनए रेप्लिकेशन में क्या बनेगा? डीएनए से डीएनए बनेगा, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? देखो ध्यान से, आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए हम लोग बोलेंगे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज वन, ठीक है। यही मैंने लिखा। तो डीएनए पॉलीमरेज वन का जो एन टर्मिनल डोमेन है ना, देखो ध्यान से, जो एन टर्मिनल डोमेन है ना, यहाँ पे ऐसे ही होगा, ये क्या चीज होगा, डीएनए क्या चीज, डीएनए पॉलीमरेज वन, इसका जो एन टर्मिनल डोमेन है ना, उस डोमेन के पास ये स्मॉलर फ्रैगमेंट जो है ना, उसके पास क्या कैसा एक्टिविटी है, 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। मतलब देखो 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, देखो जब भी कभी टर्म आएगा न्यूक्लियस, जब भी कभी टर्म आएगा न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, याद रखना है। और ये न्यूक्लिक एसिड किससे रिलेटेड होगा, न्यूक्लिक एसिड में दो ही न्यूक्लिक एसिड आएगा, एक को क्या बोलेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एक को क्या बोलेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, याद रखना है। तो न्यूक्लियस वैसा एंजाइम होता है जो हम लोग बोलेंगे डीएनए और आरएनए के बीच में, देखो ध्यान से, अगर डीएनए को भी देखेंगे तब भी इसमें क्या न्यूक्लियोटाइड्स है, ये सब क्या न्यूक्लियोटाइड्स है, देखो ध्यान से, ठीक है, ये मान लो ए हो गया, ये टी हो गया, ये मान लो सी हो गया, ये जी हो गया, ठीक है, ये सी हो गया, ये ए हो गया, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किसके थ्रू जुड़ रहा है, देखो ध्यान से, ये सब क्या, ये सब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है। तो न्यूक्लियस एंजाइम का काम क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या कर देना, हम लोग बोलेंगे कट करना, ये काम है न्यूक्लियस एंजाइम का, चाहे वो डीएनए रहे चाहे वो आरएनए रहे, ठीक है। अगर हम लोग टर्म यूज करेंगे एक्सो न्यूक्लियस, देखो ध्यान से, न्यूक्लियस का भी दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं इंडो न्यूक्लियस, एक को बोलते हैं एक्सो न्यूक्लियस। अगर हम लोग टर्म यूज करेंगे एक्सो न्यूक्लियस, तो एक्सो न्यूक्लियस वैसा एंजाइम होता है, देखो ध्यान से, एक्सो न्यूक्लियस वैसा एंजाइम होता है, देखो ध्यान से, एक्सो न्यूक्लियस वैसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, ये मान लो डीएनए का क्या चीज है, स्ट्रैंड है, ठीक है, ये आरएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड है मान लो, ठीक है। तो एक्सो न्यूक्लियस क्या करता है ना, टर्मिनल, एक्सो का मतलब हो गया टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब हो गया सबसे साइड वाला एंड, ठीक है, टर्मिनल एंड से क्या करेगा,
एक एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हटाएगा, एक्सोन्यूक्लियस से मतलब, तो पहले ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हटाएगा, फिर 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 ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हटाता चला जाएगा। मतलब टर्मिनल एंड से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड, चाहे डीएनए रहे चाहे आरएनए रहे, उसको क्या करेगा, कट करना स्टार्ट करेगा। कौन, हम लोग बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। और अगर एंडोन्यूक्लियस रहेगा तो क्या करेगा, ये एंडोन्यूक्लियस रहेगा तो क्या करेगा, इंडोन्यूक्लियस रहेगा तो वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे बीच से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं इंडो, इंडो का मतलब क्या चीज, विद इन, विद इन क्या चीज, हम लोग बोल सकते हैं जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, उसके बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको कट करेगा इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो अब यहाँ पर टर्म क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, एक्सोन्यूक्लियस के बारे में बात करना, 5'3' एक्सोन्यूक्लियस है ना, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये जो एंजाइम है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में डीएनए बन रहा है, डायरेक्शन में डीएनए बन रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये डायरेक्शन में डीएनए बनेगा 5'3' होगा, इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 5'3' होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये जो एंड टर्मिनल डोमेन है ये फॉरवर्ड मूव करेगा, मतलब आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब 5'3', इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, जिस डायरेक्शन में डीएनए बन रहा है, ठीक है, नया डीएनए बन रहा है। तो 5'3' एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या होगा, ये आरएनए, ये आरएनए में क्या होगा, पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, ये पांचवा न्यूक्लियोटाइड, ये छठा न्यूक्लियोटाइड, और ये मान लो सातवां न्यूक्लियोटाइड है, मान लो ये आरएनए प्राइमर है, ठीक है। ये सब क्या चीजें, न्यूक्लियोटाइड के बीच वाला क्या, ये सब क्या, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये क्या चीज है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सिंपल, ठीक है। तो यहां पर क्या करेगा, 5'3' एक्सोन्यूक्लियस का मतलब हो गया कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जो आरएनए प्राइमर है उसको टर्मिनल से क्या करेगा, एक एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करेगा, एंड टर्मिनल डोमेन ऑफ डीएनए पॉलीमर क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो पहले यहां पर सबसे फर्स्ट वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को रिमूव किया, तो पहला हम लोग बोलेंगे आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है वो हटा, फिर दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को रिमूव किया तो क्या होगा, दूसरा हम लोग बोलेंगे जो आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है वो हटा, फिर तीसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, फिर चौथा फॉस्फोडाइस्टर, फिर पांचवा फॉस्फोड, फिर छठा, फिर सातवां फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता चला जाएगा। मतलब 5 प्राइम एंड की तरफ से क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एक एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5'3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और किसको हटा दे रहा है, किसको हटा दे रहा है, हम लोग बोलेंगे किसको हटा दे रहा है, आरएनए प्राइमर को हटा दे रहा है, इसीलिए इसका फंक्शन क्या चीज है, एंड टर्मिनल डोमेन का, इट रिमूव्स द आरएनए प्राइमर, क्या चीज, मतलब राइबोन्यूक्लियोटाइड वन बाय वन, एक एक हम लोग बोलेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड को हटाएगा कैसे करके, एक एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करके, किस एंड से, 5' एंड के एंड से, ठीक है। तो यही फंक्शन है किसका, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज वन का, एंड टर्मिनल डोमेन का, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, एंजाइम का नाम लिख रहा हूं डीएनए पॉलीमरेज वन, यही मैंने लिखा, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, डीएनए पॉलीमरेज वन का एंड टर्मिनल डोमेन के पास कैसा एक्टिविटी है, 5'3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। तो देखो 5'3' एक्सोन्यूक्लियस कहां, यहां पर है, तो इसका मतलब ये वाला जो ये इसका मतलब ये वाला क्या है, इसको मैं टिक कर दे रहा हूं, मतलब डीएनए पॉलीमरेज के पास 5'3' एक्सोन्यूक्लियस का एक्टिविटी है। तो ये क्या काम को कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है क्या जिसको, प्राइमर को रिमूव कर रहा है ना, तो इसका मतलब डीएनए पॉल वन का एक फंक्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, देखो यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे इधर भी होगा, हम लोग बोलेंगे एक एक हम लोग बोलेंगे क्या चीज, आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड उसको क्या करता चला जाएगा, हटाता चला जाएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे एंड टर्मिनल डोमेन ऑफ क्या चीज, डीएनए पॉलीमर, क्योंकि इसके पास कैसा एक्टिविटी है, 5'3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये हो गया एंड टर्मिनल डोमेन के बारे में, जो भी एंड टर्मिनल डोमेन ऑफ क्या चीज डीएनए पोल वन में जो भी मैंने बताया उसको मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हूँ, उससे मैंने यहाँ पर कोरिलेट किया। अब हो गया हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल डोमेन का क्या मतलब है, देखो ध्यान से, ये सी टर्मिनल डोमेन का क्या मतलब है, ठीक है, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है, इसको क्लिनॉ फ्रेगमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लिनॉ फ्रेगमेंट। तो इसके पास हम लोग बोलेंगे दो एक्टिविटी होता है, पहला एक्टिविटी क्या चीज, 5'3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। इसका मतलब ये क्या करेगा, 5'3' मतलब फॉरवर्ड मूव करेगा, क्या बनेगा, पॉलीमरेज एक्टिविटी, मतलब ये क्या करेगा, डीएनए से डीएनए को बनाएगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वैसे भी देख लो डीएनए पॉलीमरेज वन क्या चीज है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब ये डीएनए से डीएनए को बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड मूव करेगा, मतलब डीएनए का नया डीएनए का सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होता है, हमेशा 5'3' डायरेक्शन में होता है, इसीलिए यहां पर ये फॉरवर्ड मैंने लिखा है, फॉरवर्ड मूव करेगा, अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगा। दूसरा इसका क्या फंक्शन, हम लोग बोलेंगे 3'5' प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, या 3'5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, या रिवर्स मूवमेंट करेगा जो कि मिसमैच को हटाएगा। क्या मतलब है, देखो मैं बता यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि 5'3' पॉलीमरेज एक्टिविटी क्या होता है। देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं फिर से देखो ये क्या कर रहा हूं, डीएनए मान लो ये क्या चाहिए, डीएनए का स्ट्रैंड है, अभी भी मैंने बनाया था,
ये 3 prime 5 prime है, तो ये क्या होगा 5 prime को 3 prime। याद कीजिए इसका एन टर्मिनल डोमेन यहाँ पर क्या था, देखो ध्यान से यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, यहाँ पर क्या था हम लोग बोलेंगे क्या था आरएनए प्राइमर था, देखो यहाँ पर आरएनए प्राइमर था, यहाँ पर भी क्या था हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर था 5 prime 3 prime OH, ठीक है मल्टीपल आरएनए प्राइमर 5 prime 3 prime OH ये सब था, ठीक है। और क्या बन रहा था यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या बन रहा था, आरएनए प्राइमर का यूज करके क्या बन रहा था, नया डीएनए बन रहा था, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नया डीएनए बन रहा था, यहाँ भी नया डीएनए बन रहा था, ठीक है। ये जो रेड कलर से दिखाया हूं वो क्या चीज है, नया डीएनए है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, आरएनए को तो हटा दिया था, कौन हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1 का एन टर्मिनल डोमेन, देखो आरएनए को क्या किया, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये डीएनए पोल 1 है, मैं यहां यहीं पर दिखा दे रहा हूं डीएनए पोल 1, इसका क्या एन टर्मिनल डोमेन है, ठीक है। वो आरएनए प्राइमर को क्या किया, हटाया, सिमिलरली यहां पर भी यही होगा, देखो ध्यान से ये क्या चीज है डीएनए पोल 1 है, ठीक है, ये क्या इसका ये क्या एन टर्मिनल डोमेन, जो आरएनए को क्या करेगा एक एक करके क्या करेगा हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम से क्या करेगा 3 प्राइम ओएच की तरफ क्या करेगा एक एक न्यूक्लियोटाइड को हटाता चला जाएगा। तो देखो ध्यान से जैसे हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब ये आरएनए को क्या करेगा एन टर्मिनल डोमेन क्या करेगा 1 by 1 क्या करा, रिमूव करता चला जा रहा है, देखो ध्यान से। तो आरएनए जब हट जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, गैप बन जाएगा ना, तो गैप बन जाएगा तो क्या होगा, देखो इसका इसके पास क्या होता है सी टर्मिनल डोमेन भी होता है, किसके पास डीएनए पोल 1 के पास। तो ये जो सी टर्मिनल डोमेन है ना वो क्या कर रहा है, देखो ध्यान से डीएनए के स्ट्रैंड पे डिपेंड है, मतलब बाइंड किया है, और जहां पर आरएनए प्राइमर हट गया तो वहां पर क्या बन गया, गैप बन गया, उस गैप में क्या करेगा देखो डीएनए को बना देगा, देखो ध्यान से क्या किया डीएनए को बना दिया, देखो ये क्या चीज है डीएनए को बना दिया, इसका मतलब ये एंजाइम कैसा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, कौन एंजाइम डीएनए पोल 1, कौन सा डोमेन सी टर्मिनल डोमेन, किस तरफ मूव कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम मतलब फॉरवर्ड मूव कर रहा है, वही मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। क्योंकि ये देखो ध्यान से ये हम लोग बोलेंगे कितना न्यूक्लियोटाइड को बना सकता है डीएनए का, तो हम लोग बोलेंगे ये कितना को बना सकता है, तो याद रखना है 20 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकता है हम लोग बोलेंगे बना सकता है कौन डीएनए पोल 1, ठीक है। क्योंकि ये 20 से 100 न्यूक्लियोटाइड को ही जोड़ सकता है, मतलब डीएनए से डीएनए, जब ये गैप है तो गैप में कितना न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना आरएनए प्राइमर का क्या बोलते हैं उसमें कितना न्यूक्लियोटाइड्स रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 11 या 12। तो यहां पर ये क्या कर रहा है डीएनए से डीएनए को बना दिया, ठीक है, कौन हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1, लेकिन वो कितना न्यूक्लियोटाइड को मैक्सिमम हम लोग बोलेंगे जोड़ सकता है, तो याद रखना मैक्सिमम वो 220 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड को ही जोड़ सकता है, ठीक है। क्यों जोड़ सकता है, क्योंकि अगर इसे ज्यादा जोड़ेगा तो इसका जो कि प्रोसेसिविटी नहीं है, इसका प्रोसेसिविटी लो है डीएनए फोल्ड वन का, इसीलिए वो हम लोग बोलेंगे 20 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड्स को ही जोड़ सकता है। अगर इसका प्रोसेसिविटी ज्यादा रहता तो ये क्या करता, कंप्लीट डीएनए से डीएनए को बना देता, मतलब डीएनए से डीएनए को बनाता और यही मेन एंजाइम होता, लेकिन यहाँ पर इसका प्रोसेसिविटी नहीं है क्योंकि बीटा क्लैंप इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए से डीएनए को तो बनाएगा लेकिन कहां पर बनाएगा, तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर हटेगा, आरएनए प्राइमर को भी हटाएगा और वो जो गैप बनेगा वहां पर क्या करेगा नया डीएनए का भी सिंथेसिस करेगा, मतलब डीएनए से डीएनए को बना रहा है, इसीलिए कैसा एंजाइम है हम लोग बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, इसका मतलब ये कैसा एक्टिविटी शो कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी शो कर रहा है। तो यहां पर हम लोग टिक कर सकते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होता है किसके पास डीएनए पोल 1 के पास, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, देखो ध्यान से डीएनए से डीएनए को बना रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है डीएनए सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। कहां पर कर रहा है, जहां पर आरएनए प्राइमर हट गया और वो जो गैप बन गया वहां पर कौन हम लोग बोलेंगे डीएनए से डीएनए को बना रहा है, डीएनए पोल 1 का कौन सा डोमेन हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल डोमेन या क्लियरऑन फ्रैगमेंट, ठीक है, या लार्जर फ्रैगमेंट। तो ये तो समझ में आ गया हम लोग बोलेंगे क्या जिसके बारे में हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल डोमेन या डीएनए पोल 1 का जो क्लियरऑन फ्रैगमेंट है या लार्जर फ्रैगमेंट है उसका एक फंक्शन। अब देखो यहां पर दूसरा फंक्शन क्या है 3 प्राइम 5 प्राइम ग्रुप रीडिंग एक्टिविटी भी है, ठीक है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है। देखो जब भी कभी प्रूफ रीडिंग आएगा ना, प्रूफ रीडिंग का मतलब हो गया देखो ध्यान से कि अगर मान लो कि मतलब ये जो एंजाइम है कौन एंजाइम डीएनए पोल 1, अगर वो कुछ मिस्टेक करता है, गलती से कुछ गलत न्यूक्लियोटाइड को मान लो जोड़ दिया डीएनए में, तो वो क्या करेगा हम लोग बोलेंगे रिवर्स मूव करके क्या करेगा उस जो न्यूक्लियोटाइड उसको क्या करेगा हटाएगा, जिसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। तो यहां पर इसको हम लोग प्रूफ रीडिंग को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी बोलते हैं। जब भी कभी प्रूफ रीडिंग टर्म आएगा ना, तो प्रूफ रीडिंग हमेशा रिलेटेड है किससे, हम लोग बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, ठीक है। क्योंकि 3 प्राइम 5 प्राइम की तरह मूव करता है, मतलब रिवर्स मूव करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे रिवर्स, मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। और ये क्या करेगा रिमूव द मिसमैच, मतलब मिसमैच को क्या करेगा हटाएगा। तो यहां पर कैसा एक्टिविटी है, यहां पर डीएनए पोल 1 का 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी है। देखो यहां पर मैंने यहां पर टिक कर दिया 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी है, ठीक है। 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज को हम इन अदर वर्ड क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ क्या चीज आरएनए प्राइमर भी बोल सकते हैं, आरएनए
प्राइमर भी बोल सकते हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को। तो देखो इसको मैं समझा रहा हूं क्या है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होता है, किसका, डीएनए पॉलीमरेज 1। इसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूं और यहां पर देखना ध्यान से क्या चीज मैं कह रहा हूं। देखो यहां पर क्या चीज है, इसको मैं थोड़ा सा ये मान लो मैं बस डीएनए के एक ही स्ट्रैंड को बना रहा हूं, ये क्या चीज है 3 प्राइम है, ये क्या चीज है 5 प्राइम है मान लो, ठीक है। यहां पर देखो ये वाला डीएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए का दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, ये पांचवा, मान लो मैं 5 ही न्यूक्लियोटाइड को बनाया, और भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होगा। यहां पर मान लो ए है, ठीक है, यहां पर मान लो टी है, यहां पर मान लो सी है, यहां पर मान लो क्या चीज है जी है, यहां पर फिर से मान लो टी है, ठीक है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री देखो यहां पर आरएनए प्राइमर था, ठीक है, यहां पर आरएनए प्राइमर था, आरएनए प्राइमर को डीएनए पोलमर हटा दिया, यहां पर क्या बन गया, गैप बन गया, ठीक है। तो गैप बन गया तो यहां पर क्या करेगा, अब हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, यहां पर हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज वन। देखो ध्यान से ये क्या चीज है, डीएनए पॉलीमरेज वन है, ये डीएनए पोल वन का हम लोग बोलेंगे जो सी टर्मिनल डोमेन है ना वो क्या करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया डीएनए बनाएगा। देखो ध्यान से ये आरएनए प्राइमर का जो पार्ट था जो गैप था वहां पर, तो नया डीएनए बनाएगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टी होगा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए होगा, फिर आगे की तरफ मूव करेगा तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जी होगा, फिर ये आगे की तरफ मूव करेगा तो जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी होगा, ठीक है, जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, सी होगा, ठीक है, यहाँ पर सी लिख दिया मैं, और टी का फिर आगे की तरफ मूव करेगा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए होगा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे करेक्ट बेस पेयरिंग है, ठीक है। अगर मान लो ये यहां से यहां तक बना दिया, कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोलमर, ठीक है, आरएनए प्राइमर को हटाने के बाद वो जो गैप को फिल कर दिया, मतलब डीएनए से डीएनए को बना दिया, और बनाते टाइम पे हम लोग बोलेंगे मान लो ये क्या कर दिया, ये यहां तक पहुंच गया, कौन, हम लोग बोलेंगे कौन, डीएनए कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल वन, यहां तक ये यहां तक पहुंच गया, डीएनए पोल वन, डीएनए पोल वन यहां तक पहुंच गया मान लो, ठीक है। यहां पर क्या चीज है, 5 प्राइम होगा, यहां पर क्या होगा, 3 प्राइम होगा, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि यहां तक ये पहुंच गया, अब अगर मान लो कि ये कुछ मिस्टेक कर दिया, देखो मान लो यहां पर ये क्या चीज टी के जगह मान लो क्या चीज को जोड़ दिया, हम लोग बोलेंगे टी के जगह मान लो क्या चीज को जोड़ दिया, हम लोग बोलेंगे सी को मान लो जोड़ दिया गलती से डीएनए पोल वन, ठीक है। तो जब भी हम लोग बोलेंगे सी के जगह या टी के जगह सी को जोड़ देगा, तो अब वो क्या करेगा, अब हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनए पोल वन है ना, वो डीएनए पोल वन क्या करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा, मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा। और ये क्या करेगा, देखो ध्यान से ये क्या करेगा, पहला न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा, ठीक है, क्या करेगा, पहला न्यूक्लियोटाइड को हटा दिया, देखो ध्यान से, ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस बोलेंगे ना, 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस बोलेंगे, 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, मतलब 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ मूव कर रहा है, पहला न्यूक्लियोटाइड को हटाया, फिर क्या करेगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा, फिर क्या करेगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा, फिर क्या करेगा, चौथा न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल वन, रिवर्स मूव कर रहा है, मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब जब इसको हटाएगा उसके बाद यहां पर क्या करेगा, फिर से हम लोग बोलेंगे करेक्ट क्या करेगा, बेस पेयरिंग करेगा, फिर से वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये देखो ये जो रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है किसका, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल वन का, ये तभी होगा जब हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज वन क्या कर दे, मिसमैच कर दिया, हम लोग बोलेंगे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड है उसके सामने वाला न्यूक्लियोटाइड में जो क्या बोल सकते हैं, ये जो बेस पेयर है वो क्या हो जाए, इनकरेक्ट ऐड कर दे, कौन, डीएनए पोल वन, तभी ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रिवर्स मूव करेगा, मतलब 3 प्राइम 5 प्राइम एक एक न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा, जहां पर मिस्टेक वहां तक पहुंचेगा उसको भी हटाएगा, फिर क्या करेगा, करेक्शन करेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम टू ब्रीडिंग एक्टिविटी या 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं 3 प्राइम 5 प्राइम, क्योंकि 3 प्राइम में पहला ये को न्यूक्लियोटाइड को हटाया, मतलब फॉस्फोराइलेशन बॉन्ड को हट गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अल्टीमेटली कहां तक पहुंचा, हम लोग बोलेंगे यहां पर मिस्टेक हुआ था, उसके बाद उसको क्या किया, फिर से वो फॉस्फोराइलेशन बॉन्ड को हटा के फिर क्या किया, नया न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा, को हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल वन, इसी को बोलते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, हम लोग बोलेंगे इट रिमूव्स द क्या, मिसमैच, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसके पास 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, इसलिए इसको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 प्राइम 5 प्राइम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या किया, डीएनए को रिपेयर किया ना, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, डीएनए रिपेयर, किसको रिमूव किया, मिसमैच को रिमूव किया, तो क्या मैंने लिखा है, मिसमैच रिमूव, ठीक है, या रिमूव्स द मिसमैच। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या चीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 में अगर एग्जाम में पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे, ये खत्म हो गया डीएनए पोल 1, अब हम लोग देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज 2 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, उसके लिए मैं यहां पर मिटा रहा हूं, फिर हम लोग देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज 2 का कॉन्सेप्ट, ठीक है।
तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, डीएनए पॉलीमरेज 2 का कॉन्सेप्ट। हम लोग डीएनए पॉलीमरेज 1 का एंटायर कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे अगला एंजाइम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है ना, याद रखना है, जो कि ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मतलब ये भी डीएनए से डीएनए को बनाएगा। ठीक है, और ये 2 का मतलब हो गया कि ये हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 1 के बाद क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 2 बोलते हैं। ठीक है, और ये देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए या ये कैसा एंजाइम हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। मतलब ये एंजाइम भी क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये एंजाइम भी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, ये मान लो डीएनए के स्ट्रैंड है मान लो, ठीक है, ये डीएनए के स्ट्रैंड से बाइंड करेगा और क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, नया डीएनए को का सिंथेसाइज करेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और ये एंजाइम है ना, इसका कौन हम लोग बोलेंगे, ये एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, ये एंजाइम इसका मतलब ये क्या चीज होगा, प्रोटीन होगा, एंजाइम्स प्रोटीन्स होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी है। ठीक है, और ये प्रोटीन है, इसका मतलब इस ये प्रोटीन का क्या होगा, बैक्टीरिया के डीएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीन होगा, उस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस जीन को हम लोग बोलेंगे पोल बी जीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोल बी जीन। तो जब ये जीन हम लोग बोलेंगे, जो बैक्टीरिया के डीएनए में प्रेजेंट है, जो वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे पोल बी एमआरएनए बनेगा, क्या बनेगा, पोल बी एमआरएनए बनेगा। उसके बाद ये पोल बी एमआरएनए फिर राइबोसोम से जुड़ेगा और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे, टीएल का मतलब ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बी प्रोटीन। ठीक है, और ये पोल बी प्रोटीन कुछ नहीं है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 2 बोलते हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 2 का दूसरा नाम क्या चीज है, डीएनए पोल बी। क्यों डीएनए पोल बी है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 2 को जो जीन इनकोड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बी जीन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज को क्या बोलते हैं हम लोग, डीएनए और डीएनए पॉलीमरेज 2 को क्या बोलते हैं, डीएनए पोल बी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, किसके बारे में, डीएनए पोल 2 का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, ये मेन एंजाइम क्यों नहीं है, ये सब सारा का सारा मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखो अब एक चीज समझो, देखो क्या चीज है, यहां पर ये चीज समझना है कि ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 2, ये भी क्या कर रहा है, डीएनए से डीएनए को बना दे रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर टेबल में देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं, मैं ये टेबल में क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या चीज, डीएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 2 मैंने लिखा यहां पर, ये क्या कर रहा है, ये भी तो डीएनए से डीएनए को बना रहा है ना। ठीक है, मतलब इसके पास भी क्या है, हम लोग बोलेंगे 5' 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी है, मतलब ये भी फॉरवर्ड मूव करता है। और अभी भी मैंने बताया कि ये भी क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। देखो डीएनए पॉलीमरेज 2 भी क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब ये क्या करेगा, 5' 3' डायरेक्शन में क्या करेगा, पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करेगा, मतलब 5' 3' डायरेक्शन में नया डीएनए को बनाएगा, इसीलिए इसके पास हम लोग बोलेंगे 5' 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, क्योंकि ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। इसीलिए मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने टिक किया, टिक किया का मतलब डीएनए पॉलीमरेज 2 के पास कैसा एक्टिविटी है, 5' 3' क्या चीज, पॉलीमरेज एक्टिविटी है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है, जब इसके पास भी 5' 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी है तो क्या ये सारा डीएनए को बना देता है, जैसे डीएनए पोल 1 क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर जो हट रहा था, वो जो गैप बन रहा था उसमें बस डीएनए को बना रहा था, कौन, डीएनए पोल 1। तो डीएनए पोल 2 क्या करेगा फिर, देखो डीएनए पोल 2 क्या करता है, देखो यहां पर ये 5' 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, देखो ये मान लो कि बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए होता है ना, तो मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूं, ठीक है, सर्कुलर डीएनए का मैं कुछ पार्ट को बस दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो हुआ क्या था, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि ये देखा गया था कि बैक्टीरिया में जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था ना, तो वो डीएनए रेप्लिकेशन को कराने के लिए जो मेन एंजाइम था वो कौन था, हम लोग बोलेंगे वो कौन था, डीएनए पॉलीमरेज 2 था। मतलब डीएनए पॉलीमरेज 2 ही क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे डीएनए से इंटायर डीएनए को क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे बना रहा था। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो बैक्टीरिया है या ई कोलाई है, ई कोलाई में हम लोग बोलेंगे इनिशियली उस समय हम लोग बोलेंगे डिस्कवरी नहीं हुआ था मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम का, तो ये माना जाता था कि डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है ना वो क्या चीज है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है। क्यों,
क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज टू क्या कर रहा था, डीएनए के स्ट्रैंड से नया डीएनए को बना दे रहा था, डीएनए के स्ट्रैंड से नया डीएनए का सिंथेसिस कर दे रहा था इंटायर जीनोम में, ठीक है। तो इसीलिए इनिशियली डीएनए पोल्ट को क्या 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 क्या, क्या माना जा रहा था कि ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है। लेकिन बाद में ये देखा गया ये जो डीएनए पोल टू है ना, ये हम लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे इसका प्रोसेसिविटी क्या चीज हम लोग बोलेंगे लो है, ये क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे मिस्टेक्स कर रहा है डीएनए से जब डीएनए बना रहा था। तो बाद में हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 2 को मेन एंजाइम से हटा दिया गया, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज 2 अब मेन एंजाइम नहीं है। तो मेन एंजाइम कौन है डीएनए रेप्लिकेशन का, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 है। और याद रखना डीएनए पॉलीमरेज 2 से कोई भी बीटा क्लैंप नहीं बाइंड कर रहा था, इसीलिए इसका प्रोसेसिविटी लो था। लेकिन जब हम बोलेंगे इनिशियली एकदम इनिशियली क्या क्या किया जा रहा था, ये डीएनए पोल टू इंटायर डीएनए को बना दे रहा था, ठीक है। क्योंकि उस समय हम लोग बोलेंगे जो मेन डीएनए एप्लीकेटिव एंजाइम है जिसको डीएनए पोल 3 बोलते हैं उसका डिस्कवरी नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब इसका मतलब डीएनए पोल 2 के पास कैसा एक्टिविटी है, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी है, ठीक है। तो अब देखो अब ये क्या करता है, इसका क्या काम है, 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी है, इसका मतलब डीएनए से डीएनए को बनाता है, बिल्कुल बनाता है, इनिशियली यही बनाता था, ठीक है। बाद में डिस्कवरी हुआ मेन एंजाइम डीएनए पोल 3 का। तो अब ये एंजाइम क्या करेगा बैक्टीरिया के, मतलब क्या बोलते हैं बैक्टीरिया सेल में या ईकोलाई में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में, अब ये एंजाइम क्या करेगा, जब हम लोग बोलेंगे जो मेन डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो जब कंप्लीट डीएनए से डीएनए को बना देगा तब ये एंजाइम का क्या काम। तो देखो ये एंजाइम का क्या काम है, ये एंजाइम का काम क्या चीज है, देखो यहाँ पर कि अगर मान लो, देखो अगर मान लो यहाँ पर, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर मान लो ये मान लो डीएनए का स्ट्रैंड है, मान लो बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए है, ऐसे करके सर्कुलर होगा, मैं थोड़ा सा पोर्शन को बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये मान लो 5 प्राइम है, ये क्या चीज है 3 प्राइम है मान लो, ठीक है, डीएनए का स्ट्रैंड है। यहाँ पर आरएनए प्राइमर बना होगा, यहाँ पर मल्टीपल आरएनए प्राइमर बना होगा, उसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो होता क्या, मेन एंजाइम कौन है, हम लोग बोलेंगे मेन एंजाइम क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे कंप्लीट डीएनए से डीएनए को बना रहा है, ठीक है। मेन एंजाइम कौन है, हम लोग बोलेंगे मेन एंजाइम कौन है, मेन एंजाइम तो कौन, हम लोग बोलेंगे कौन है, डीएनए पोल 3 है ना मेन एंजाइम, जो कि क्या कर रहा है कंप्लीट डीएनए से डीएनए को बना रहा है, ठीक है। मेन एंजाइम क्यों, क्योंकि इसका प्रोसेसिविटी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाई होता है, किसका, डीएनए पॉलीमरेज 3 का। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ये जो स्ट्रैंड है इसमें भी देखो ध्यान से, इसमें भी क्या, और हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है फ्रैगमेंट्स में नया डीएनए बन रहा है, तो कौन बना रहा है इसको फ्रैगमेंट्स में नया डीएनए को, हम लोग बोलेंगे कौन बना रहा है, मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 तो बना रहा है ना, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब जब पूरा डीएनए बन जाएगा, ध्यान से सुनिए, पूरा डीएनए बन जाएगा, आरएनए प्राइमर भी हट जाएगा, वहां पर भी जो गैप है उसको भी फिल कर दिया जाएगा डीएनए पोल 1 के थ्रू। जब पूरा डीएनए बन जाता है, देखो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, जब पूरा डीएनए बन जाता है तो पूरा डीएनए को कौन बनाया, हम लोग बोलेंगे मेन एंजाइम डीएनए पोल 3 तो बनाया ना, बाकी जो गैप है आरएनए प्राइमर हटा उसको फिल कौन किया, डीएनए पोल 1। तो अब क्या होता है देखो ध्यान से, जब हम लोग बोलेंगे सारा का सारा दोनों होकर जाके फ्रैगमेंट्स भी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इसको भी ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्या चीज, हम लोग बोलेंगे न्यू डीएनए, ये क्या चीज है न्यू डीएनए, ये क्या चीज है न्यू डीएनए। तो ये न्यू डीएनए को हम लोग बोलेंगे स्कैन करता है कौन, हम लोग बोलेंगे कौन स्कैन करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 2। याद रखना है इट स्कैन्स क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इंटायर डीएनए, इंटायर न्यू डीएनए, ठीक है, इंटायर न्यू डीएनए, ठीक है। इसका मतलब डीएनए पोल 3 क्या करेगा, स्कैन करेगा पूरा, हम लोग बोलेंगे जो नया डीएनए बना है उसको, इधर भी क्या करेगा, देखो डीएनए पोल 2 ही क्या करेगा, स्कैन करेगा इंटायर जो डीएनए बना है उसको, ठीक है, क्या करके स्कैन करेगा, ठीक है। यही काम होता है किसका, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 2 का। इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है इसका फंक्शन में, इट असिस्ट डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड स्कैन द होल डीएनए। मतलब डीएनए पॉलीमरेज 3 जब पूरा डीएनए को बना दिया, कंप्लीट डीएनए बन गया, तो उसके बाद भी पीछे से ये वाला जो एंजाइम है डीएनए पोल 3 वो क्या करेगा, जो नया डीएनए बना उसको फिर से स्कैन करेगा। इसीलिए स्कैन करेगा क्योंकि अगर मान लो डीएनए पोल 3, वैसे तो डीएनए पोल 3 जो मेन एंजाइम, उसका प्रोसेसिविटी बहुत ज्यादा होता है, मिस्टेक करने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन भी बाय मिस्टेक अगर मान लो डीएनए पोल 3 कुछ मिस्टेक कर दिया तो उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, डीएनए पोल 2 रिकॉग्नाइज करेगा, और वो जो मतलब मिस्टेक है उसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका फंक्शन क्या लिखा हुआ है, इट असिस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंड स्कैन द होल डीएनए, ठीक है। ये पूरा डीएनए को स्कैन करेगा, मतलब डीएनए के डायरेक्शन में बना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बना है, ठीक है। ये क्या होगा, ये 5 प्राइम होगा ये वाला, ठीक है, ये क्या होगा 3 प्राइम होगा, ठीक है।
तो ये चीज तो समझ में आ गया। इसका मतलब चूंकि ये स्कैन कर रहा है 5' to 3' डायरेक्शन में, इसीलिए इसके पास कैसा एक्टिविटी हम लोग बोलेंगे, डीएनए 5' 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी है। इनिशियली इसी के पास पॉलीमरेज एक्टिविटी था, मेन एंजाइम भी यही था, इसीलिए बाद में क्या कर रहा है ये एंजाइम, जो मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज जब डीएनए को बना दे रहा है तो वो जो नया डीएनए बन जाए उसको कंप्लीट स्कैनिंग का काम कर रहा है डीएनए पोल टू। ठीक है, ये भी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है 5' 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में इनिशियली हम लोग बोलेंगे यही मेन एंजाइम था जो क्या कर रहा था, डीएनए से डीएनए को कंप्लीटली बना रहा था। ठीक है, अब देखो अभी मैंने यहाँ पर इसका दूसरा फंक्शन क्या लिखा, 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यहाँ पर भी एक्सोन्यूक्लियस मतलब प्रूफरीडिंग, या प्रूफरीडिंग जहां पर भी टर्म आएगा तो इसका मतलब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो अगर मान लो कि क्या है, अगर मान लो 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब क्या चाहिए, देखो ध्यान से, ये अगर मान लो डीएनए पोल 3 स्कैन कर रहा, मान लो ये नया डीएनए, ठीक है, ये मूव करके कहां तक पहुंच गया, मान लो ये मूव करके यहां तक पहुंचा, मान लो ठीक है, ऐसे करके यहां तक पहुंच गया मान लो डीएनए पोल 3, ठीक है, और यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर मान लो जो न्यूक्लियोटाइड है, यहां पर मान लो कुछ मिस्टेक है, ठीक है, यहां पर मान लो कुछ एरर है, ठीक है, यहां पर मान लो कि मतलब जो बेस पेयर है वो बेस पेयरिंग वो सही नहीं हुआ, तो वो फिर से क्या होगा, वापस रिवर्स जाएगा, जैसे कि डीएनए पोल 1 जा रहा था, ठीक है, और रिवर्स जाएगा मतलब वो क्या करेगा, एक एक हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, एक एक क्या चीज को हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा और क्या करेगा, अल्टीमेटली वो मिस्टेक को हटाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, देखो ध्यान से इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो इसको कैसे करके समझो, ये वाला क्या चीज 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जब ये देखो, जब ये डीएनए पोल 3 कंप्लीट डीएनए को स्कैन कर लेता है ना, कंप्लीट डीएनए को स्कैन कर लेता है, यहां तक पहुंच गया, कंप्लीट डीएनए को स्कैन कर लिया, ठीक है, तो अगर मान लो इसको कहीं पर मिस्टेक मिला, मान लो यहां पर मिस्टेक मिल गया, ठीक है, पहले जब मैं स्कैन कर रहा था मान लो यहां पर भी मिस्टेक मिला, दूसरा मिस्टेक मिला, मान लो यहां पर भी कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, यहां पर तीसरा मिस्टेक मिला, कब, जब ये कंप्लीट डीएनए को स्कैन कर लिया, तब उसके बाद ये क्या करेगा, पूरा स्कैन करने के बाद अगर यहां पर मिस्टेक है तो वो फिर से क्या करेगा, टर्मिनल से मतलब 3' से क्या करेगा, जो नया डीएनए बना उसको कट करना स्टार्ट करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करना स्टार्ट करेगा, और कहां तक पहुंचेगा, जहां पर मिस्टेक हुआ वहां तक पहुंचेगा, फिर ये क्या करेगा, इस मिस्टेक को करेक्शन करेगा, रेक्टिफाई करेगा, फिर से हम लोग बोलेंगे ये वापस पीछे की तरफ मूव करेगा, और यहां पर जो मिस्टेक है उसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे करेक्शन करेगा, रेक्टिफाई करेगा, उसी तरह इसको रेक्टिफाई करेगा। ठीक है, इसलिए इसके पास ऐसा एक्टिविटी है 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है। ठीक है, मतलब प्रूफरीडिंग एक्टिविटी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पर ये डीएनए पोल 2 के पास कैसा एक्टिविटी है, 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। यहाँ पर ये वाला बॉक्स क्या होगा, ठीक होगा, क्योंकि डीएनए पोल 2 के पास 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। क्या ये डीएनए पोल 2 आरएनए प्राइमर को हटा रहा है, हम लोग बोलेंगे नहीं हटा रहा है, इसीलिए इसके पास हम लोग बोलेंगे 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होगा। 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए यूज किया जाता है, जो कि किसका किसका फंक्शन हम लोग बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन है। तो ये खत्म होता है हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डीएनए पोल 2 के का कांसेप्ट। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे डीएनए पोल 3 जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है उसका कांसेप्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो उसके लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि मैं समझा पाऊं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, जो डीएनए पॉलीमरेज जो 3 होता है उसका कॉन्सेप्ट, मतलब जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो देखो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम। क्या बोलेंगे, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, याद रखना है। और इसका जो प्रोसेसिविटी होता है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाकी जितना एंजाइम है उससे ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए क्या चीज है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है। क्यों इसका प्रोसेसिविटी ज्यादा होगा, इसीलिए ज्यादा होगा क्योंकि हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, या स्लाइडिंग क्लैंप के साथ क्या हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। और स्लाइडिंग क्लैंप अगर डीएनए पॉलीमरेज 3 के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो स्लाइडिंग क्लैंप क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 का प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करेगा। यही रीजन है कि डीएनए पोल 3 क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए पोल 1, डीएनए पोल 2, डीएनए पोल 3, डीएनए पोल 4 एंड डीएनए पोल 5, इसमें से जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है वो डीएनए पोल 3 ही क्यों है, इसीलिए है क्योंकि डीएनए पोल 3 हम लोग बोलेंगे
इसका प्रोसेसिविटी बहुत हाई है, ये हम लोग बोलेंगे मिस्टेक नहीं करता है। क्यों मिस्टेक नहीं करता है? इसीलिए डीएनए से जब डीएनए बनाता है तो ये मिस्टेक नहीं करता है, क्योंकि ये किसके साथ जुड़ा होता है, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप। और बीटा क्लैंप क्या करता है, डीएनए पोल 3 का प्रोसेसिविटी को बहुत ज्यादा हाई कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 जब डीएनए से डीएनए को बनाता है तो कोई मिस्टेक नहीं करता है, इसीलिए क्या चीजें मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है, ठीक है। और बाकी जो डीएनए पॉलीमरेजेस है वो बीटा क्लैंप से बाइंड नहीं करता है, इसीलिए वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्योंकि उसका प्रोसेसिविटी लो है, इसीलिए बाकी डीएनए पॉलीमरेजेस हम लोग बोल सकते हैं कि मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखो वही मैंने यहाँ पर कि मैंने क्या बताया कि डीएनए पोल 3 क्या है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है, क्यों, क्योंकि इसका प्रोसेसिविटी बहुत ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ये किसके साथ जुड़ा होता है, बीटा क्लैंप या स्लाइडिंग क्लैंप के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो अब हुआ क्या था कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, डीएनए पोल 3 लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब हो गया कि डीएनए पोल 1, याद कीजिए मैंने बताया था डीएनए पोल 1, फिर क्या, फिर किसका डिस्कवरी हुआ, डीएनए पोल 2, फिर किसका डिस्कवरी हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 का डिस्कवरी हुआ है। और इसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था, याद रखना है, वो क्या था, हम लोग बोलेंगे थॉमस कॉर्नबर्ग, सन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आर्थर कॉर्नबर्ग। आर्थर कॉर्नबर्ग किसको डिस्कवर किया था, मैंने बताया डीएनए पोल 1 के टाइम पे डीएनए पोल 1 को डिस्कवर किया था, ठीक है, कौन, हम लोग बोलेंगे आर्थर कॉर्नबर्ग। तो उसका जो मतलब सन था, जिसको थॉमस कॉर्नबर्ग बोलते हैं, वो किसको डिस्कवर किया, हम लोग बोलेंगे मेन एंजाइम डीएनए पोल 3 को डिस्कवर किया। याद रखना है डीएनए पोल 3 का जब डिस्कवरी नहीं हुआ था तो उससे पहले जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम था वो कौन था, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 2 था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या डिस्कवर किया गया कि डीएनए पोल 2 मेन एंजाइम नहीं है, डीएनए पोल 3 मेन एंजाइम है, क्यों, क्योंकि इसका प्रोसेसिविटी क्या चीज है, बहुत ज्यादा है, और ये किसके साथ मिलकर काम करता है, स्लाइडिंग क्लैंप या बीटा क्लैंप के साथ मिलकर काम करता है, और बीटा क्लैंप स्लाइडिंग क्लैंप होने की वजह से ये जो डीएनए पोल 3 है वो मिस्टेक नहीं करता है, मतलब इसका प्रोसेसिविटी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, इसीलिए डीएनए पोल 3 मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है, ठीक है। और यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, यहां पर मैंने ये लिखा है कि ये होलो एंजाइम भी है। ये होलो एंजाइम क्यों है, हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम इसीलिए है क्योंकि डीएनए पोल 3 देखो है, देखो डीएनए पोल 3 कैसा एंजाइम, हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंजाइम या होलो एंजाइम, ठीक है। इसका मतलब देखो ये किसके किसके साथ मिलकर बना, हम लोग बोलेंगे ये किसके साथ, इसके साथ हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप भी जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, इसके साथ हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर भी जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, क्या बोलेंगे क्लैंप लोडर भी जुड़ा हुआ रहेगा, और इसके साथ हम लोग बोलेंगे इसका खुद का एंजाइम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर एंजाइम या कोर पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये जो कोर एंजाइम है वो एक्चुअल हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ठीक है, एक्चुअल में जो डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस कर रहा है वो कौन कर रहा है, कोर एंजाइम ही कर रहा है, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ा हुआ, हम बोलेंगे दो अलग अलग फैक्टर्स जुड़ा हुआ है, एक क्या चीज है बीटा क्लैंप, एक क्या चीज है क्लैंप लोडर, इसीलिए एंजाइम क्या चीज हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम, ये कंप्लीट एंजाइम है, ठीक है। मैंने इसके स्ट्रक्चर बताया था, देख लीजिएगा, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो सीरीज मैं बता रहा हूँ, उस सीरीज में आप लोग देखिएगा कि मैंने डीएनए पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर के साथ बताया था कि इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या सब यूनिट्स होता है, क्या क्या जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सब सारा का सारा मैंने कंप्लीट स्टडी मतलब ये लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। तो आप लोग वो लेक्चर को जरूर देखिएगा, आप इस सीरीज को देखिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो वो लेक्चर को देखिए तो उससे क्लियर हो जाएगा डीएनए पोल 3। यहां पर बस इतना जानिए कि यहां पर हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3, हम लोग बोलेंगे इसके इसका हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट भी होता है, ये बीटा क्लैंप के साथ भी जुड़ा हुआ था, और ये क्लैंप लोडर के साथ भी जुड़ा हुआ था। इसका जो कोर पार्ट है, जो कोर एंजाइम, वो 3 सब यूनिट का बनता है, अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा। ये जो अल्फा सब यूनिट होता है ना, इसी के पास क्या हम लोग बोलेंगे पॉलीमरेज एक्टिविटी है, जो मेन जो डीएनए से डीएनए बन रहा है, जो मेन जो डीएनए से डीएनए बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 का, हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट, ठीक है। इसके पास कैसा एक्टिविटी होता है, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होता है, किसके पास, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 के पास, ठीक है। तो अल्फा सब यूनिट के पास, डीएनए पोल 3 का अल्फा सब यूनिट के पास ही क्या चीज है, 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी है, मतलब हम लोग बोलेंगे जो डीएनए से डीएनए जो बन रहा है ना, तो डीएनए पोल 3 हम लोग बोलेंगे मेन एंजाइम, वही डीएनए से डीएनए को बना रहा है, तो डीएनए पोल 3 का कौन सा पार्ट, तो हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट का कौन सा सब यूनिट, हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट, यही बनाता है क्या चीज डीएनए से डीएनए को। इसका मतलब हो गया, यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डीएनए पोल 3, ठीक है, ये क्या चीज है डीएनए पोल 3 मैंने लिखा है यहाँ पर देखो, ठीक है। इसके पास कैसा एक्टिविटी होगा, बट जैसा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होगा, मतलब डीएनए से डीएनए बनाने वाला एक्टिविटी होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा।
अब देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये हाईली प्रोसेसिव होता है बिकॉज ऑफ द बीटा क्लैप, मैंने बता दिया। अब इसके पास कैसा एक्टिविटी होगा, देखो ध्यान से, इसके पास कैसा एक्टिविटी होगा, इसके पास 5'3' पॉलीमरेज एक्टिविटी होगा। कौन सा सबयूनिट के पास, कौन सा सबयूनिट के पास, हम लोग बोलेंगे अल्फा सबयूनिट के पास। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। बाकी देखो, बाकी ये जो सबयूनिट है, ये वाला एप्सिलॉन सबयूनिट जो है ना, इसके पास कैसा एक्टिविटी है, देखो ध्यान से, इसके पास कैसा एक्टिविटी हम लोग बोलेंगे 3'5' क्या चीज है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे प्रूफ रीडिंग भी करेगा। अगर ये मान लो गलती से कुछ मिस्टेक भी कर दिया तो वो बैक मतलब वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, रिवर्स मूव करेगा, और वो क्या करेगा, एक ही जो न्यूक्लियोटाइड उसको हटाएगा और क्या करेगा, जो एरर है, जो मिस्टेक, उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टिफाई करेगा। लेकिन चांसेस ऑफ एरर जो होता है ना डीएनए पॉलीमरेज, वो बहुत कम करता है, बहुत ना के बराबर करता है, ठीक है। तो ये एब्सिलॉन सबयूनिट क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे अगर मिस्टेक मान लो कर दिया गलती से डीएनए पॉलीमरेज, तो इसका जो कोर एंजाइम का जो एब्सिलॉन सबयूनिट है वो क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करेगा। इसका मतलब इसके पास 3'5' प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी है, देखो ध्यान से, किसके पास, डीएनए पॉलीमरेज के पास। और ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को इनहांस कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो थीटा सबयूनिट है ना, वो क्या करेगा, एब्सिलॉन सबयूनिट मतलब जिसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता है, 3'5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, उसके एक्टिविटी को इनहांस करता है। इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है कि 3'5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होता है डीएनए पॉलीमरेज के पास, ठीक है, और जो एब्सिलॉन सबयूनिट होता है उसके पास ही प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता है, जो मैंने बताया, ठीक है, मतलब 3'5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। और थीटा जो सबयूनिट होता है वो क्या करता है, इनहांस करता है क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे दी एक्टिविटी ऑफ क्या चीज, एब्सिलॉन सबयूनिट मतलब इनहांस दी एक्टिविटी ऑफ क्या चीज, प्रूफ रीडिंग। ये किसका काम है, थीटा सबयूनिट का काम है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, आप लोग वो लेक्चर को देख लेना, ठीक है। तो यहां पर इसका मैंने टेबल के अकॉर्डिंग मैंने समझाया, डीएनए पॉलीमरेज के पास पॉलीमरेज एक्टिविटी होता है 5'3' पॉलीमरेज एक्टिविटी होता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होता है 3'5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होता है इसके एब्सिलॉन सबयूनिट के पास। और हम लोग बोलेंगे क्या ये डीएनए पोल 3 आरएनए प्राइमर को रिमूव कर रहा है, नहीं रिमूव कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर किसके पास, डीएनए पोल 3 के पास कोई भी हम लोग बोलेंगे 5'3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है, मतलब आरएनए प्राइमर को रिमूव नहीं करता है। फंक्शन में क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। इसका दूसरा फंक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या चीज में हेल्प करता है, हम लोग बोलेंगे प्रूफ रीडिंग में भी तो हेल्प करता है ना, देखो ध्यान से, क्योंकि इसके पास कैसा एक्टिविटी है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी में भी ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे हेल्प करता है। इसके पास कैसा एक्टिविटी, हम लोग बोलेंगे 3'5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। जब भी 3'5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है ना, वहां पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिवर्स का मतलब हो गया पीछे बैकवर्ड जाना, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे 5'3' पॉलीमरेज एक्टिविटी का मतलब हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या चीज, फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब जिस डायरेक्शन में डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है उस डायरेक्शन में क्या करना, डीएनए को बनाना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 का कॉन्सेप्ट, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोग क्या देखेंगे, दो एंजाइम बच गए, डीएनए पोल 4 एंड डीएनए पोल 4, वो डीएनए पोल 5 का कॉन्सेप्ट, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां पर। देखो मैं यहां पर इसको मिटा रहा हूं और यहां पर मैं बता रहा हूं डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड डीएनए पॉलीमरेज 5 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेबल के अकॉर्डिंग मैं समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है, ये वाला, ये इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या चीज, डीएनए पोल 4, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज क्या चीज 5। क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज है ना, डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड डीएनए पॉलीमरेज 5 याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं ये बिलोंग करता है गामा फैमिली ऑफ क्या चीज, गामा फैमिली ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और गामा फैमिली याद रखना रिलेटेड होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज से, हम लोग बोलेंगे डीएनए रिपेयर, या हम लोग बोल सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है डीएनए रिपेयर, या हम लोग बोल सकते हैं एसओएस रिस्पॉन्स और एरर प्रोन डीएनए रेप्लिकेशन से, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा ये SOS रिस्पॉन्स क्या होता है, एरर प्रोन डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए रिपेयर के टाइम पे ये मैं बताऊंगा, ठीक है, कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड डीएनए पॉलीमरेज 5 है ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस करता है, मतलब डीएनए का रिपेयरिंग करता है, इसीलिए ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कैसे इसके पास एक्टिविटी होगा, 5'3' पॉलीमरेज एक्टिविटी होगा, मतलब ये डीएनए से डीएनए को बनाएगा, ठीक है। कब, हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग डीएनए रिपेयरिंग,
ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा डीएनए रिपेयर सिस्टम या एसओएस रिस्पॉन्स और एरर प्रोन डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगा, तभी हम लोग बोलेंगे गामा फैमिली ऑफ डीएनए पॉलीमरेज का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो याद रखना है डीएनए पोल 4 एंड डीएनए पोल 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा फैमिली ऑफ डीएनए डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है डीएनए रिपेयर में दोनों मिलकर, या एसओएस रिस्पॉन्स और एरर प्रोन डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। क्या होता है मैं बताऊंगा जब डीएनए रिपेयर पढ़ाऊंगा। और एक क्या चीज है डीएनए पोल 4 एंड डीएनए पोल 5, क्या चीज है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये क्या करेगा, डीएनए से डीएनए को तो बनवाएगा, मतलब इसके पास कैसा एक्टिविटी होगा, 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होगा, मतलब डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी का मतलब हो गया डीएनए से क्या बनना, हम लोग बोलेंगे डीएनए बनना। ठीक है, तो ये सारा का सारा देखो एंजाइम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। और एक चीज याद रखिएगा कि इसमें हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस और 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जो एक्टिविटी होता है वो एब्सेंट होता है। किसमें हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 4 एंड हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 5, मतलब इसमें 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब ग्रुप रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है डीएनए पोल एंड पोल 4 एंड पोल 5 में। और हम लोग बोलेंगे पोल 4 एंड डीएनए पोल 5 आरएनए प्राइमर को नहीं रिमूव करता है, इसीलिए यहां पर मैंने क्या लगाया, क्रॉस लगाया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज, डीएनए पॉलीमरेजेस इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो सारा का सारा खत्म हो गया। इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे जब मैं डीएनए रिपेयर सिस्टम बताऊंगा। ठीक है, तब मैं बताऊंगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज, डीएनए पॉलीमरेज। एक टिपिकल जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए पॉलीमरेज का, उसको हम लोग स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। और उसमें क्या क्या डोमेन्स होता है, क्या क्या हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या क्या हम लोग बोलेंगे डाइवेलेंट मेटल आयन रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए से डीएनए बनाने के लिए, वो सब सारा का सारा हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।